हेलो एवरीबॉडी, गुड टू हैव यू ऑल। आज हम पढ़ेंगे हैव टू, मस्ट एंड नीड टू। ये सेंटेंस कैसे यूज़ करें और किस तरह इसको यूज़ करें और किस तरह इसके स्ट्रक्चर को बनाएं, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। जहाँ पे यूज़ करेंगे हम हैव टू, मस्ट और नीड टू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेरे हमारे डेली कन्वर्जेशन में यूज़ होता है हैव टू, मस्ट एंड नीड टू। या आप सेंटेंस में हैव टू भी यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहे मस्ट यूज़ कर सकते हैं या नीड टू। यू हैव मोर और लेस द सेम मीनिंग, सबकी मीनिंग सेम है। तो जहाँ पे कंपलसरी हो, जहाँ पे ज़रूरी हो कोई चीज़ आपको करना ही करना है, जहाँ पे आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करनी है, जहाँ पे आपके पास चॉइस नहीं है, वहाँ आप यूज़ करेंगे हैव टू या नीड टू या फिर मस्ट। लेट्स सी सम एग्जांपल। आपका फ़ोन है वो डिस्चार्ज हो रहा है, बैटरी लो है, अब आपको फ़ोन चार्ज करना है, तो आप बोलेंगे आई हैव टू चार्ज माई फ़ोन, आई हैव टू रिचार्ज माई फ़ोन, आई हैव टू चार्ज माई फ़ोन या टू रिचार्ज माई फ़ोन। तो आप पास चॉइस नहीं है, कंपल्जन है, करना ही करना है। अगर आप फ़ोन चार्ज नहीं करेंगे तो योर बैटरी विल डाई आउट, तो आई हैव टू चार्ज रिचार्ज माई फ़ोन। अब आप बीमार पड़ गए हैं, आपका 103 102 बुखार है, यू हैव अ फीवर, तो आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर पास, यू हैव नो ऑप्शन। तो यू विल से आई हैव टू सी अ डॉक्टर। या आपका फ्रेंड बीमार है और उसको डॉक्टर को देखना है और कोई उसके पास ऑप्शन नहीं, चॉइस नहीं है, सो यू विल से यू हैव टू सी अ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, यू हैव टू सी अ डॉक्टर। अब आपका स्कूल का समय हो गया है, स्कूल का टाइम हो गया है, स्कूल का समय हो गया है, आपको स्कूल जाना है, यू विल से आई हैव टू गो टू स्कूल, आई हैव टू गो टू स्कूल। कोचिंग का समय हो गया और आपको कोचिंग जाना है, आपको कोई आपके पास कोई चॉइस नहीं है, यू हैव टू गो, आई हैव टू गो टू कोचिंग। ऑफिस है, ऑफिस आपको 10 बजे तक पहुंचना है, कोई ऑप्शन नहीं है, लेट नहीं हो सकते हैं आप, तो आई हैव टू रीच ऑफिस बाई 10 o'clock, आई हैव टू रीच ऑफिस। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है हैव टू यूज़ करना। आपको भूख लगी है, यू आर हंग्री, भूख से आपका आप गुस्से में हैं, आप परेशान हैं, आप खाने का नहीं मिलेगा, यू कैन ईट द ओल हॉर्स, आप इतने भूखे कि आप पूरा घोड़ा खा सकते हैं, यू कैन ईट ओल हॉर्स। सो यू टे आई हैव टू ईट, मुझे खाना खाना है, आई हैव टू ईट, अब कंपल्शन, आपके पास चॉइस नहीं है। इस तरह आपको अगर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करनी है, जैसे स्कूल जाते हैं तो यू हैव टू वेयर यूनिफॉर्म, ओके, अगर बाहर जा रहे हैं, यू आर यूजिंग व्हीकल्स, तो यू हैव टू वेयर हेलमेट, अगर आप बाहर जा रहे हैं आपको मास्क यूज़ करना है, तो यू हैव टू वेयर मास्क, आपको सैनिटाइजर यूज़ करना है, यू हैव टू यूज़ सैनिटाइजर, आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, तो यू हैव टू टेक सेफ्टी मेजर प्रिकॉशंस। So, how to make these type sentence? It is very easy. It is a simple rule. First, use subject. Subject is he, she, it, you, we, they. इसके बारे में बात करें, subject है। अगर किसी male के बारे में बात करें, he, female के बारे में she, non-living thing, it. It can be you, we, they. Then have to verb. Verb is action. Then object. Okay. And hope you enjoy learning it. And we will come up with more. These type of simple sentences. I hope you enjoy learning it. So have a thanks for listening to me and have a nice day.